बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, टोपोलॉजिकल स्पेस में एक थ्योरम हमारे सामने है जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पास्ट पेपर में 2020 का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, दिस इज़ अ थ्योरम एंड स्टेटमेंट इज के एवरी क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज़ कॉम्पैक्ट। अब ये भी कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड है कि कॉम्पैक्ट स्पेस, अगर आपके पास ग्राउंड स्पेस जो है वो कॉम्पैक्ट है और आप उसमें एक क्लोज सबसेट लेते हैं तो वो भी कॉम्पैक्ट स्पेस ही बनाएगा। अगर उसके ऊपर एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाई जाती है तो वो भी कॉम्पैक्ट ही होगी उसकी, बिल्कुल ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है विद सम टोपोलॉजी टॉ और एक्स जो है ये कॉम्पैक्ट है। इसके अंदर आप एक सबसेट लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ए, और ए के बारे में कहते हैं कि ए इज़ अ क्लोज्ड सेट, ठीक है। देन ए जो है इज़ ऑल्सो कॉम्पैक्ट, ये आपने शो करके दिखाना। अब ए इज़ ऑल्सो कॉम्पैक्ट का एक्चुअल मीन ये है, देखिए कॉम्पैक्ट तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, ए जो है वो एक्स में से है। ए के ऊपर आप एक टोपोलॉजी बनाएं जो कि रिलेटिव टोपोलॉजी होगी, यानी कि ए विद द रिलेटिव टोपोलॉजी, और इस रिलेटिव टोपोलॉजी के साथ आप इसको चेक करें तो ये कॉम्पैक्ट निकलेगा। यानी कि यहाँ पे एज अ सबसेट यहाँ पे कहा गया दिस सबसेट इज़ कॉम्पैक्ट, ये क्लोज सबसेट है और ये कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्टनेस के लिए उसको उस वो एक सेट है उसके ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी बनाना ज़रूरी है। तो जाहिर है कॉम्पैक्टनेस के लिए उस सबसेट को सिर्फ एक आम सबसेट नहीं बल्कि एक रिलेटिव टोपोलॉजी के साथ सबस्पेस होना चाहिए। एक रिलेटिव टोपोलॉजी के साथ एक सबस्पेस होना चाहिए और फिर उसके बाद हम उसकी कॉम्पैक्टनेस की बात करेंगे। अच्छा जी, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हमने इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। ये सब चीज़ें ये साइट पे जो लिखी हुई है इंफॉर्मेशन है। इसमें एक्स आपके पास विद सम टोपोलॉजी इज़ अ कॉम्पैक्ट स्पेस और ए जो है इसका हमने सबसेट लिया, ए क्लोज्ड भी है और इसके साथ जो टोपोलॉजी हम बनाते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी ए इज़ आ विद दिस रिलेटिव टोपोलॉजी इज़ अ सब स्पेस ऑफ एक्स, ये एक्स की सब स्पेस है। अब चूंकि हमने ये शो करना, वी हैव टू शो, हमारा टारगेट क्या है कि हम ए को कॉम्पैक्ट दिखाएं, ए इज़ कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि ए के जितने भी ओपन कवर्स होंगे उन सब के फाइनाइट कवर एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका एक ओपन कवर लेंगे अपना रिक्वायर्ड टारगेट तक जाने के लिए, एक ओपन कवर लेंगे और फिर उसका फाइनाइट सब कवर शो करेंगे। तो यहाँ पे लेट करें कि एक सी कलेक्शन है दैट इज़ द कंटेनिंग द एलिमेंट्स यू अल्फ़ा such that alpha belongs to ohm is an open cover of A. अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको mention करती चलूँ कि A जो है वो आपकी super topology का subset है, ठीक है। और A के अंदर A का जो cover होगा वो basically वो तमाम open sets को contain करेगा जो कि relative topology के open sets हैं। अब मैं यहाँ पे मज़ीद इसको खोल के अगर ऐसे लिखूँ कि C जो है वो open sets पे consist करता है, alpha belongs to ohm such that, मैं मज़ीद इसको explain करके ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जितने भी open sets हैं ये belong करते हैं relative topology से, ठीक है। ये और ज़्यादा explained हो गया। अब कवर का काम क्या होता है, कवर जिस भी सेट का होता है ये उस सेट इसके यूनियन से यानी कि वो सेट जनरेट होता है क्योंकि ये कवर है ए का। दिस इम्प्लाइज ए जो है इस सी से जनरेट हो रहा है, यानी कि सी के एलिमेंट्स जितने भी ओपन सेट्स हैं इन सब को अगर यूनियन किया जाए तो आपके पास ए आता है। अब हमारा टारगेट क्या है ये लिखते हैं क्योंकि हमने दिखाना है ए कॉम्पैक्ट है। वी हैव टू शो there exist a finite subcover
से सी स्टार ऑफ सी. सी का एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है, और सपोज करें कि मैं हमेशा सब कवर को नॉर्मली सी स्टार से रिप्रेजेंट करती हूँ, अगर सुपर कवर आपके पास सी है तो उसका सब कवर कोई सी स्टार है. तो इसका एक सी स्टार सब कवर है जो कि ए का सब कवर है जो कि फाइनाइट है, मुझे ये शो करना है. और सी स्टार जो है वो इसी में से आप लेते हैं, सी स्टार बेसिकली इसका सी का सब कलेक्शन होता है. तो ये मेरा टारगेट है, मुझे ये शो करना है. अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन कर दूँ आपको, सी को मैं दोबारा से यहाँ लिख दूँ कि सी चूँकि आपने यू अल्फाज कहे हैं, जस्ट अल्फा बिलोंग्स टू ओहम, सच दैट ऑल द यू अल्फाज आर फ्रॉम रिलेटिव टोपोलॉजी. तो रिलेटिव टोपोलॉजी, अगर सुपर टोपोलॉजी, अगर सुपर सेट आपके पास जो भी है एक्स है जो जैसा भी है, और सुपर टोपोलॉजी जो है वो आपके पास टॉयक्स है, ठीक है. तो आपके पास टॉयक्स के मेंबर्स अगर फॉर एग्जांपल वी अल्फाज में हैं, ठीक है, जस्ट लाइक वी अल्फा इस तरह से, और तो रिलेटिव टोपोलॉजी के मेंबर्स कैसे बनते हैं आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव टोपोलॉजी के मेंबर्स जो हैं वो सुपर टोपोलॉजी के मेंबर्स का सबसेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेने से बनते हैं, ठीक है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं यहाँ पे भी ऐसे कह देती हूँ अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओहम, ठीक है. तो इस तरह से सुपर टोपोलॉजी के मेंबर्स का वन बाय वन आप ए के साथ इंटरसेक्शन लेते जाएंगे, रिलेटिव टोपोलॉजी के ओपन सेट्स जनरेट होते चले जाएंगे. तो यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करें, ये यू अल्फाज बनते कैसे हैं, यू अल्फाज आर द ओपन सेट फ्रॉम द रिलेटिव टोपोलॉजी. तो रिलेटिव टोपोलॉजी के ओपन मेंबर्स होने की वजह से ये सुपर टोपोलॉजी के ओपन मेंबर्स का ए के साथ इंटरसेक्शन लेने से बनते हैं, सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू ओहम, ठीक है. ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर वन कहते हैं. उसके बाद एक इक्वेशन लिखने लगी हूँ, एक कलेक्शन लिखने लगी हूँ आपके पास. कंसिडर द फॉलोइंग कलेक्शन, द कलेक्शन, एक कलेक्शन मैं आपके पास लिख रही हूँ, और वो कलेक्शन है आपके पास जस्ट टी के नाम से. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको टी ना करें, टी जो है वो टॉ के साथ रिजाम्बल ना कर जाए, आप इसको के कलेक्शन कह दें, ठीक है. अब के आपके पास कलेक्शन है, और इस कलेक्शन में मैं जो सेट्स डाल रही हूँ ज़रा इस पे गौर कीजिएगा. एक सेट मैंने डाला है ए कॉम्प्लीमेंट, और बाकी जो मेंबर्स मैंने डाले हैं वो मैंने डाले हैं वी अल्फाज, अल्फा बिलोंग्स टू ओहम. अब ये जो कलेक्शन मैंने आपके सामने बनाया है, दिस इज के is open cover of ground set x. अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से ये x का open cover बन गया है. देखें कोई भी सेट x जो है, जब मैंने इसके अंदर से एक सबसेट लिया a, तो किसी भी सेट के लिए उसका एक सबसेट और उस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिया जाए तो ग्राउंड सेट आपके पास बनता है. ये इक्वेशन तो यूनिवर्सली ट्रू है. अब इसी इक्वेशन को मानते हुए मैंने ये इक्वेशन, ये पिक आपके सामने बनाई है. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अगर कुछ हिस्सा ए पे कंसिस्ट करता है तो बाकी का हिस्सा इज कॉल्ड अ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. अगर राइट हैंड साइड पे ये ए है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों को यूनियन किया जाए तो आपके पास ग्राउंड सेट एक्स आता है. ये तो एक फैक्ट है. अब ये जो आपके पास, मैंने के को कहा है कि के आपके पास ओपन कवर है एक्स का, इसको फिगर से कैसे किया जा सकता है, फिगर से ऐसे देखा जा सकता है. देखिए ये जितने भी आपके पास वी अल्फाज हैं, इन वी अल्फाज को अगर आप गौर से देखें, ये वी अल्फाज तमाम ओपन सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के अंदर. ये वी अल्फाज वो तमाम ओपन सेट्स हैं जिनका अगर यूनियन लिया जाए तो यूनियन लेके आप अपने ग्राउंड सेट एक्स को जनरेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे स्पेसिफिकली इस सेट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट आया. फॉर एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ये मैं आपको बताती चलूँ कि ए, सिंस आपके पास ए क्लोज सेट था तो ए का कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली ओपन बन जाता है. तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट की हैसियत से आया है. ये आपके पास एक ओपन सेट है, इसका मतलब है कि टॉ के ग्राउंड सेट की जो टोपोलॉजी है उसके अंदर जितने भी ओपन सेट्स होंगे उनके बीच में ए कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद होगा, ठीक है. अब अगर मैं पूरे एक्स को कवर करना चाहती हूँ ओपन सेट्स के ज़रिए, एक्स का ओपन कवर बनाना चाहती हूँ, तो उस ओपन कवर में एक सेट मैंने, ओपन सेट मैंने ए कॉम्प्लीमेंट डाल दिया,
ये देखें, x का ये वाला हिस्सा तो कवर हो गया। अब बाकी हिस्से की अगर बात आती है तो बाकी हिस्सा जो है वो a पे कंसिस्ट करता है। बाकी हिस्से को उसने कवर किया है वी अल्फाज के साथ। वी अल्फाज क्या है? वी अल्फाज आपके पास वो तमाम ओपन सेट्स हैं जो कि उसने कहाँ से उठाए हैं, जो कि उसने उठाए हैं ग्राउंड सेट की टोपोलॉजी के ऊपर, यानी कि जो ग्राउंड सेट की टोपोलॉजी है उसके अंदर से सारे वी अल्फाज उसने उठाए हैं। यानी कि एक हिस्सा तो ए कॉम्प्लीमेंट कवर कर रहा है और जो बाकी का हिस्सा है यहाँ पे मौजूद जितने वी अल्फाज होंगे, फॉर एग्जांपल वी अल्फाज नॉट, वी अल्फाज उन वो तमाम ओपन सेट हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट से हट के हैं। ठीक है, मतलब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट और ए में कुछ भी मुश्तरिक नहीं है, ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी मुश्तरिक नहीं है। अगर एक हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट पे कंसिस्ट करता है तो दूसरा हिस्सा ए पे है। उसने यहाँ पे ए लिखने के बजाय उसने वी अल्फाज लिखा है। देखिए वी अल्फाज को अगर आप यहाँ से देखें तो वी अल्फाज जो हैं ये वो ओपन सेट्स हैं जो कि ग्राउंड सेट के, ग्राउंड टोपोलॉजी के ओपन सेट्स हैं। और ना सिर्फ ये कि बल्कि हमने यहाँ पे जो ये इंटरसेक्शन लिया हुआ है इन ग्राउंड सेट के ओपन सेट्स का, ए के साथ जो इंटरसेक्शन लिया हुआ है ये शो कर रहा है। हो सकता है किसी वी अल्फा का ए के साथ इंटरसेक्शन लेने से आपके पास फाइव भी आ जाए, लेकिन ये शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ इन वी अल्फाज में ए के साथ कुछ ना कुछ कॉमन है। हो सकता है कोई एक वी अल्फा ऐसा हो जो ए के साथ इंटरसेक्शन आपको फाई दे दे, लेकिन हर वी अल्फा ए के साथ इंटरसेक्शन फाई नहीं दे सकता। ठीक है, हर वी अल्फा ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वी अल्फाज कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उन ओपन सेट्स की जिनका ए के साथ कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन है। ठीक है, अगर इनका कुछ ना कुछ हिस्सा ए के साथ कॉमन है तो डेफिनेटली फिर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इन तमाम वी अल्फाज का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो डेफिनेटली आपके पास अप्रॉक्सीमेटली तमाम का फाई आएगा, सिवाय उन वी अल्फाज के जिनका इंटरसेक्शन ए के साथ फाई आता है, वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन होंगे, लेकिन जिनका कॉम्प्लीमेंट ए के साथ नॉन एम्प्टी आता है वो वी अल्फाज जो होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन फाई देंगे। जाहिर है ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है और इनमें कुछ भी मुश्तरिक नहीं है। तो वो तमाम देखें, वो हिस्सा जो ए कॉम्प्लीमेंट पे कंसिस्ट करता है वो ये है, और बाकी का हिस्सा उसने ओपन सेट, वो तमाम ओपन सेट्स जो कि बाकी हिस्से को कवर कर रहे हैं उन तमाम ओपन सेट्स को उसने यहाँ पे वी अल्फाज से रिप्रेजेंट किया है, और स्पेसिफिकली वो वाले वी अल्फाज ओपन सेट्स जो कि ए के साथ नॉन एम्प्टी आंसर देते हैं, यानी कि वो वी अल्फाज। देखिए ओवरऑल अगर मैं आपको यहाँ पे एक्स स्केच करके दिखाऊं तो एक्स जो है वो टॉएक्स क्या है, टॉएक्स के अंदर तमाम वी अल्फाज पड़े हैं और इन तमाम वी अल्फाज टोपोलॉजी की डेफिनेशन ये होती है कि टोपोलॉजी के अंदर पड़े हुए ओपन सेट्स, तमाम ओपन सेट्स का यूनियन लिया जाए तो आपके पास ग्राउंड सेट बनता है। ये तमाम वी अल्फाज इस तरह से हैं। ठीक है, अगर इनको यूनियन लेंगे तो टॉएक्स में पड़े हुए जितने भी वी अल्फाज ओपन सेट्स हैं इन सब का अगर आप यूनियन लेंगे तो आपके पास फाइनली जो है ग्राउंड सेट एक्स ही आएगा। लेकिन इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा आपके पास ए पे कंसिस्ट करता है और एक हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट पे। अगर वही फिगर में इस यहाँ पे भी इंसर्ट कर दूँ, ठीक है, इसका एक हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट है और एक हिस्सा जो है वो ए है। जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है, उसको तो मैंने यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे ब्लैक ओपन सेट्स थे उन्हें मैंने इग्नोर किया। अब यहाँ के जितने भी ये छोटे छोटे सर्कल्स हैं वो वी अल्फाज हैं, इन वी अल्फाज को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आधा हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट से उसने रिप्रेजेंट किया है, कुछ हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया है ये जो रेड शेडेड है, और बाकी का जो हिस्सा जो इस रेड लाइन के राइट साइड पे है ये जो छोटे छोटे ब्लैक सर्कल्स हैं वो वी अल्फाज से रिप्रेजेंट किए हैं। तो वी अल्फाज स्पेसिफिकली यहाँ पे वो ओपन सेट्स हैं इस टॉ एक्स में से जिनका ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन जो है वो फाई निकलता है और ये टोटली कहीं ना कहीं ए के अंदर कंटेन्ड है। होप सो कि ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, और इस चीज़ से आप ये देख सकते हैं तो के जो है वो डेफिनेटली फिर ओपन कवर बन जाता है एक्स का। अब एक्स का ओपन कवर यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली ए कॉम्प्लीमेंट और ए के लिहाज से, मतलब जो पीछे हम हिस्ट्री देख रहे हैं इस क्वेश्चन के स्टार्ट से, जो हमने स्टार्ट में जिस तरह से एक ही रिलेटिव टोपोलॉजी बनाई और जिस तरह से ग्राउंड सेट में सेट लिए, ओपन सेट्स लिए और फिर रिलेटिव टोपोलॉजी के ओपन सेट्स लिए, उनको बेस करते हुए यहाँ पे उसने सुपर टोपोलॉजी का एक ओपन कवर बनाया दैट इज़ के। अब आपने कहा है कि आपका यहाँ पे एक्स कॉम्पैक्ट है, ये आपके पास स्टेटमेंट में है,
एक्स कॉम्पैक्ट है, अगर एक्स कॉम्पैक्ट है तो के का जो ओपन कवर है उसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा. दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर ऑफ के. के का फाइनाइट सब कवर है और उस फाइनाइट सब कवर को हम के स्टार कह देते हैं. ठीक है जी. अब ये जो फाइनाइट सब कवर है के स्टार, जाहिर है के स्टार जो है वो कंटेन करता है के में, के के ही कुछ मेंबर्स उठा के हम के स्टार में डाल देते हैं और वो फाइनाइट मेंबर्स होंगे. एक तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट तो एज इट इज़ डाल दिया और साथ में वी अल्फाज जो है वो फाइनाइट ले लिए और आई की वेरिएशन ले ली आपने वन से लेकर एन तक. ठीक है, ये आपने फाइनाइट मेंबर्स डाल. अब आपने खुद यहाँ पे कहा है कि आपका के जो है के स्टार जो है वो के की तरह एक्स को कवर कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ के स्टार. इन मेंबर्स का जरा आप यूनियन ले लें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन वी अल्फाइज. अब ये यूनियन जो है वो आई से लेकर एन तक है. ठीक है, अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर टू कह दें. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और इक्वेशन लिख रही हूँ और वो इक्वेशन ये लिख रही हूँ कि सिंस हमें ये बात पता है कि कोई भी सेट कैसे जनरेट होता है, अगर सुपर सेट का सबसेट के साथ इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो वो सबसेट जनरेट होता है. यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि x की वैल्यू लिखिए इक्वेशन नंबर टू से, इंसर्ट कीजिए इसमें, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. जी इक्वेशन नंबर टू और थ्री आपके सामने लिखी है, हम थ्री में जाएंगे और टू से वैल्यू इंसर्ट करेंगे x की. दैट इज़ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन v अल्फा i, i की वेरिएशन वन से n तक और इंटरसेक्शन a. ठीक है, अब इसमें आपके पास जी तो ये इक्वेशन आपके पास है. अच्छा जी, ये आपके पास इक्वेशन है कि दिस वॉज इक्वेशन नंबर थ्री. इक्वेशन नंबर थ्री में हमने इक्वेशन नंबर टू से इंसर्ट की एक्स की वैल्यू. यहाँ पे आप गौर कर लें, बेसिकली ये कवर की मद में लिखी गई थी, सब कवर से हमने ये इक्वेशन बनाई थी. ए कॉम्प्लीमेंट सब कवर में ए कॉम्प्लीमेंट था और वी एल फाइज जबकि आई की वेरिएशन वन से एन तक थी. अच्छा, इसको मैं दोबारा से लिख रही हूँ. इसका मतलब ये है कि इन सब को यूनियन किया जाए. ठीक है, इन सब को यूनियन किया जाए तो आपके पास एक्स बनता है. ये कितने ओपन कवर हैं, ये ओपन कवर में कितने मेंबर्स हैं, कितने ओपन सेट्स हैं, वी अल्फाइज अल्फाइज वी अल्फाइज एन है तादाद में और एक आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट है, तो टोटल इनकी तादाद जो है एन प्लस वन बनती है. एक्चुअली में ये ऐसे लिखा है, ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन वी अल्फाइज. एक्चुअली में इसको ऐसे लिखा जाना था, ये था जो कि शॉर्टली ऐसे लिखा हुआ था. अच्छा, मैंने इसे मज़ीद खोल के लिख लिया इंटरसेक्शन ए. अब इसको मज़ीद मैंने खोल लिया इस यूनियन को. ये देखिए आपके पास एन वी अल्फाज मैंने लिख लिए, बाहर एक कॉम्प्लीमेंट है, फिर इस एक कॉम्प्लीमेंट को इन सब के साथ यूनियन कर लिया तो इस तरह से ये वाली इक्वेशन आपके पास आती है. ठीक है, ये इक्वेशन आती है आपके पास, बाहर इंटरसेक्शन ए आपका एज इट इज़ चल रहा है. इस पर इसको भी मैंने कुछ भी नहीं किया. नेक्स्ट स्टेप में आपके पास अंदर है जी यूनियन और बाहर है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन जो है वो अंदर हर एक मेंबर के साथ जाके, ये इंटरसेक्शन ए जो है ब्रैकेट में हर मेंबर के साथ अप्लाई होगा. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन, वी अल्फा वन इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन, वी अल्फा टू इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन और फिर यूनियन करके वी अल्फा एन इंटरसेक्शन ए. अब इनमें से अब इसमें यहाँ पे देखें ए कॉम्प्लीमेंट का और ए का इंटरसेक्शन जो है आपको पता है फाई होता है, उसके बाद वी अल्फा वन इंटरसेक्शन. यहाँ मैं आपको साइड पे बताती चलूँ कि वी अल्फा वन इंटरसेक्शन है, ये आप याद रखिएगा, टॉ ए के मेंबर्स हैं. टॉ ए के जितने भी मेंबर्स थे वो यू अल्फा से हमने रिप्रेजेंट किए थे, सच दैट हर यू अल्फा जो था वो वी अल्फा इंटरसेक्शन ए से जनरेट हुआ था, जबकि वी अल्फाज का ताल्लुक टॉ एक्स से था. यहाँ मैं डिटेल में बताती चलूँ. ठीक है, तो ये जितने भी वी अल्फाज, वी अल्फा इंटरसेक्शन ए, वी अल्फा टू इंटरसेक्शन ए एंड सो ऑन, ये जितने भी हैं ये यू अल्फाज की फॉर्म के हैं. ये दिस बिकम्स यू अल्फा वन, दिस बिकम यू अल्फा टू एंड सो ऑन यू अल्फा एन. ये मैंने आपके सामने लिखे हुए और यू अल्फाज जो हैं ये सारे के सारे यू अल्फा आइज, ये सारे के सारे मेम्बर्स बन जाते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी टॉ ए के. अब आपके पास यहाँ तक यू अल्फा वन से यू अल्फा एन तक है, इनको इकट्ठे यूनियन में लिख लें. यू अल्फा वन से यू अल्फा एन तक का यूनियन है और लेफ्ट साइड पे मैं आपको दिखाती चलूँ कि क्या चल रहा है. हमारे पास लेफ्ट साइड पे चल रहा है यहाँ पे ए,
ये देखिए जी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास ए चल रहा है, और करते कराते हमारे पास लास्ट में क्या आता है, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू यूनियन आई की वेरिएशन 1 से एन तक यू अल्फाइज। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसको जाएं और जाके पिछली इक्वेशन से ज़रा कंपेयर करें। ये देखिए जी, हमने स्टार्ट ऐसे किया था, हमने कहा था कि सी हमारा जो है, सी इज़ एन ओपन कवर फॉर ए। सी जो था वो ओपन कवर था ए का, और यहाँ पे अगर मैं इनको यहाँ से रिमूव करूँ तो सी ए को कवर कर रहा था, ठीक है। यानी कि ए कुड बी रिटन लाइक यूनियन ऑफ यू अल्फाज वेयर अल्फा बिलोंग्स टू ओहम। अब लास्ट इक्वेशन जो मैंने आपको दिखाई वो क्या है, ए इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ यू अल्फा आईज वेयर आई की वेरिएशन 1 से एन तक है। ये देखें, ये था आपके ए का ओपन कवर, ठीक है, सी। और इसी सी के करिस्पॉन्डिंगली हम बनाते हैं जी सी स्टार। मैं कलर चेंज कर लूँ यहाँ पे, ये सी स्टार। सी स्टार में अगर आप इसमें से कुछ मेंबर्स डालें, यू अल्फाइज सच आई की वेरिएशन 1 से एन तक है। अब यहाँ पे आपको ऑब्वियसली नज़र आ रहा है, हमने क्या यहाँ पे क्लेम किया था, हमने यहाँ पे क्लेम किया था कि हमने ए को कॉम्पैक्ट दिखाना है, उसके लिए हमने ए का ओपन कवर बनाया था। और उसके लिए ये जो लास्ट इक्वेशन आई है, ये आपको बता रही है कि ए जो है इन ओपन सेट्स के यूनियन से जनरेट हो सकता है। और इस इन ओपन सेट्स को अगर आप अपने ओपन कवर, जो एक आपने ओपन कवर स्टार्ट में लिया था, उनके साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलता है ये ओपन कवर के ही कुछ, ये सब क्लास हमने बनाई है सी स्टार की फॉर्म में। और ये जो सब क्लास है ये यू अल्फाइज पे कंसिस्ट करता है। यू अल्फाइज जो हैं वो बेसिकली सब क्लास है सी की, सी के ही कुछ यू अल्फाज मैंने यहाँ से कलेक्ट किए और सी स्टार में डाल दिए। और ये सी स्टार के मेम्बर्स भी ए को क्या कर रहे हैं, ए के लिए हैं तो सारे ओपन सेट्स ही, ए का ओपन कवर बन जाता है। तो ये अगर सी ओपन कवर है तो फिर सी स्टार जो है वो ए सी का फनाइट सब कवर है। इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से यहाँ पर ये शो हो जाता है कि ए आपका कॉम्पैक्ट है। ये हमने लिया क्या था, एक कॉम्पैक्ट स्पेस का क्लोज सेट लिया था। तो कॉम्पैक्ट स्पेस में हर क्लोज सेट कॉम्पैक्ट होता है।